पेश खिदमत है दिल ने फिर याद किया। आज हम याद करेंगे गुज़र ज़माने की मशहूर अदाकारा मुनव्वर सुल्ताना को। मुनव्वर सुल्ताना 8 नवंबर 1924 को लाहौर में पैदा हुई थी। मुनव्वर सुल्ताना के वालिद रेडियो अनाउंसर थे। मुनव्वर सुल्ताना को बचपन से ही एक्टिंग का नहीं डॉक्टर बनने का शौक था। स्कूल की तालीम पूरी करने के बाद मुनव्वर मेडिकल की तैयारियों में जुट गईं। उसी दौरान मशहूर निर्माता दलसुख पंचोली ने कहीं मुनव्वर सुल्ताना को देखा और अपनी फिल्म खजांची में एक छोटी सी भूमिका ऑफर कर दी। मुनव्वर ने भी एक्सेप्ट कर लिया। फिल्म का एक गीत भी मुनव्वर सुल्ताना पर फिल्माया गया जिसके बोल थे पीने के दिन आए। खजांची में मुनव्वर का काम देखकर डायरेक्टर मजहर हुसैन इतने प्रभावित हुए कि पहली नज़र में मोतीलाल के अपोजिट काम करने के लिए मुनव्वर को ऑफर दे डाला। मुनव्वर ये ऑफर भी रिफ्यूज नहीं कर सकें और इसकी वजह से उन्हें लाहौर से बंबई आना पड़ा। उसके बाद मुनव्वर सुल्ताना ने अंधों की दुनिया, दर्द, ऐलान, नैया, मजबूर, मेरी कहानी, दादा, दिल की दुनिया, कनीज, बाबुल, प्यार की मंजिल, सबक, सरताज, एहसान, तूफान, वतन और जल्लाद, इस तरह की तकरीबन 30 फिल्मों में काम किया। हीरो रहे महिपाल, दिलीप कुमार, देवानंद, शमी कपूर, मोतीलाल, अजीत, श्याम, बड़े बड़े नामों के साथ काम किया। मुनव्वर सुल्ताना की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि लक्स साबुन के लिए उन्होंने एड में भी काम किया। आप सब जानते हैं कि ये ब्रांड ऐसा है कि मशहूर व मारूफ अदाकाराओं को ही अपने एड के लिए साइन करता है। मुनव्वर की फिल्म मेरी कहानी और प्यार की मंजिल के निर्माता थे शरफ अली, जिनके साथ मुनव्वर ने 1954 में शादी कर ली और फिल्मों को अलविदा कह दिया। 1966 में शरफ अली गुजर गए। मुनव्वर सुल्ताना ने 4 बेटों और 3 बेटियों की जिम्मेदारी को बखूबी संभाला और इन्हीं जिम्मेदारियों को निभाते हुए फिल्म वालों से उनका बचा खुचा रिश्ता भी पूरी तरह से टूट गया। मुनव्वर सुल्ताना गुमनामी की जिंदगी गुजारने लगी और आखिरकार लंबी बीमारी के बाद 15 सितंबर 2007 को उनका निधन हो गया। स्वर्गीय मुनव्वर सुल्ताना को हमारा नमन, श्रद्धा सुमन, खिराज अकीदत। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर।